हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने नॉलेज एक्सप्रेस परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए शानदार व इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं। वह टॉपिक है ब्लड, जैसे हिंदी में कहते हैं रक्त, जिसे हम आम बोलचाल में खून के नाम से जानते हैं। इस नाम के बारे में हर कोई जानता है। सभी अपने जीवन में एक न एक बार जरूर सोचता है कि आखिर अपने शरीर में ये खून कहाँ से आता है, ये कैसे बनता है। और हर कोई सोचता होगा कि आखिर इसका यानी खून का अपने शरीर में काम क्या है, इसकी भूमिका क्या होती है। इस वीडियो में आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ब्लड का हमारे शरीर में बोन मैरो अस्थि मज्जा नामक स्थान पर इसका निर्माण होता है। अब तक आप समझ गए होंगे कि बोन मैरो हमारे शरीर में उपस्थित पार्टिकुलर एक जगह का नाम नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि बोन मैरो हमारे शरीर के किसी एक विशेष जगह का नाम नहीं है, न ही ये हमारे शरीर का पर्टिकुलर अंग है। यह हमारे शरीर की हड्डियों का भाग होता है, जिसमें रक्त का निर्माण होता है, जिसे बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहा जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे शरीर में रक्त का निर्माण में शरीर की बोन्स का ही योगदान है, तथा बोन्स में ही बोन मैरो नामक जगह होती है जहाँ पर रक्त का निर्माण होता है। यहाँ तक हमने जान लिया कि हमारे शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है। अब हम जानेंगे कि रक्त का हमारे शरीर में कार्य क्या है। रक्त के कार्य को समझने के लिए, फिर हमारे शरीर में रक्त के उपयोग को समझने के लिए, हमें रक्त को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। वह पार्ट है प्लाज्मा, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। ये चारों रक्त की संरचना के महत्वपूर्ण पार्ट है। इन चारों पार्टों के संयुक्त रूप को ही रक्त कहा जाता है। इन चारों पार्ट का शरीर में अलग अलग कार्य तथा अलग अलग योगदान है। प्लाज्मा, रक्त में सबसे ज़्यादा मात्रा प्लाज्मा की होती है। यह रक्त का 55% भाग है। प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा मात्रा पानी की होती है। पानी के अलावा कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं। इस प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक भाग तथा जल व खनिज लवणों की अधिकांश आपूर्ति रक्त के भाग प्लाज्मा द्वारा ही होती है, तथा रक्त की तरलता भी प्लाज्मा के कारण ही होती है। अब हम रक्त के दूसरे पार्ट RBC के बारे में चर्चा करेंगे। RBC का पूरा नाम लाल रक्त कणिकाएं होता है। RBC का मुख्य कार्य रक्त के माध्यम से शरीर के प्रत्येक भाग तक ऑक्सीजन की पूर्ति करना है। RBC में हीमोग्लोबिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है। उसी के साथ ऑक्सीजन जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर के प्रत्येक भाग तक ऑक्सीजन पहुँचती है। खून का लाल रंग भी इसी हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। इस प्रकार हमारे खून का लाल रंग प्रदान करना तथा शरीर के प्रत्येक भाग तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य रक्त के पार्ट RBC द्वारा किया जाता है। अब हम रक्त के तीसरे पार्ट WBC के बारे में चर्चा करेंगे। WBC का मुख्य कार्य हमारे शरीर के प्रत्येक अंग की रोगों से प्रतिरक्षा करना। WBC हमारे शरीर में विशेष प्रकार की अलग अलग एंटीबॉडी का निर्माण करती है। यह अलग अलग एंटीबॉडी ही हमारे शरीर को अलग अलग रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। इस प्रकार हमारे शरीर के विभिन्न रोगों से सुरक्षा का कार्य रक्त के पार्ट WBC द्वारा किया जाता है। अब हम रक्त के चौथे पार्ट प्लेटलेट्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे विमाणु के नाम से भी जाना जाता है। प्लेटलेट का मुख्य कार्य रक्त को बहने से रोकना या रक्त का थक्का बनाना है। हम आश्चर्यजनक होते हैं कि ऐसा क्या होता है जब हमें नॉर्मल चोट लगने पर रक्त का बहाव कुछ देर बाद अपने आप रुक जाता है। ये रक्त का अचानक रुकना प्लेटलेट के कारण होता है। प्लेटलेट में कुछ विशेष प्रकार के एक्टिव प्रोटीन पाए जाते हैं। ये प्रोटीन रक्त का क्लोटिंग कर देते हैं, जिससे रक्त का बहना रुक जाता है। इसे ही रक्त का थक्का जमना कहा जाता है। इसी प्रकार रक्त की क्लॉटिंग करने का कार्य भी रक्त के पार्ट प्लेटलेट द्वारा किया जाता है। इस प्रकार हमारे शरीर में के प्रत्येक भाग तक जल खनिज लवणों की आपूर्ति करना, शरीर के प्रत्येक भाग तक ऑक्सीजन की आपूर्ति करना तथा शरीर के विभिन्न रोगों से
लड़ने की क्षमता प्रदान करना, ये सब महत्वपूर्ण कार्य हमारे शरीर के रक्त के द्वारा ही संपन्न होते हैं। अब आप ये समझ गए होंगे कि हमारे शरीर के लिए रक्त कितना महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके बिना हमारे शरीर की कल्पना करना भी संभव नहीं है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है कि बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिकतम लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। अपने नॉलेज एक्सप्रेस परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं तथा बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के बारे में भी अपडेट मिल सके।